एवरीवन, दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और सटीक जानकारी देने वाली हूं। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को निश्चिंत होकर पूरे विश्वास के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको भ्रम से दूर रखना है और एकदम सटीक जानकारी देना है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी की जब पहली परीक्षा हुई थी, यानी कि 7 अगस्त को जब परीक्षा हुई थी, तो अम्बेडकर नगर और बहुत सारे जिलों में अनियमितता देखने को मिली थी, जिसके चलते काफी ज्यादा विरोध भी हुआ। और अम्बेडकर नगर में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला और 600 से अधिक छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार भी किया। और इसके बाद जब ये केस कोर्ट में गया, तो कोर्ट में सुनवाई होने पर जब चयन बोर्ड से पूछा गया कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं होगी परीक्षा में, और चयन बोर्ड ने कहा कि हमारी तरफ से कोई अनियमितता नहीं हुई है, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि तो अम्बेडकर नगर की घटना ऐसी क्यों हुई, ऐसा क्यों घटना घटित हुई अगर आपने कोई भी अनियमितता नहीं करी है। तो यहाँ पर जब चयन बोर्ड जवाब नहीं दे पाया, तो उसको 14 सितंबर तक का तारीख का जो समय है वो मिला है अगली सुनवाई के लिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने समझ में आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं टीजीटी की परीक्षा से रिलेटेड, कि अब टीजीटी की परीक्षा रद्द हो जाएगी और कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या पीजीटी की भी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँ कि पीजीटी की परीक्षा तो रद्द होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी अनियमितता सामने निकल कर नहीं आई। अब पीठ पीछे क्या हुआ आई डोंट नो, और आपको भी शायद नहीं पता होगा। लेकिन अगर हम बात करें टीजीटी की परीक्षा की, तो दोस्तों वो भी रद्द नहीं होने वाली है, आप ये मान कर चलिए। क्योंकि कुछ लोग आपसे कह रहे हैं कि केवल अंबेडकर नगर की दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि केवल एक ही सेंटर की परीक्षा को दोबारा से कराना, या तो फिर ये होगा कि सारे सेंटर की जांच और दोबारा से पूरी परीक्षा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मुझे नहीं लगता, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा रद्द नहीं होने वाली है। तो आप इस तरीके की भ्रमित बातों पर ना पड़े और आपका रिजल्ट अपने समय पर ही आएगा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था इसकी वजह से थोड़ा लेट होगा, थोड़ा लेट का मतलब था कि 14 सितंबर के बाद आएगा, ये नहीं मतलब था कि लेट ही हो जाएगा, सितंबर में नहीं आएगा, आपका रिजल्ट अपने समय पर आ जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और फालतू की वीडियोस पर अपना समय व्यर्थ ना करें। नमस्कार।